गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में सावित्री बाई फुले की जयंती पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे काशी विद्यापीठ के जन सूचना अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए काशी विद्यापीठ के जन सूचना अधिकारी डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि देश में पहला महिला विद्यालय की स्थापना सावित्री बाई फुले के द्वारा किया गया था। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्य किया है, जिसकी वजह से महिलाएं भी अब शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। इस अवसर पर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दीपक त्यागी, प्रोफेसर अनिल राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी काशी विश्वविद्यालय से मैं अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम पर अपने मार्गदर्शन के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। विभाग के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर अनिल राय साहब, आदरणीय प्रोफेसर त्यागी जी, प्रोफेसर आर के मल साहब, डॉक्टर रजनीश जी और राम नरेश जी, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थियों, देवी देवियों, सज्जनों, राष्ट्र का निर्माण यूं ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत हस्तियां लगती हैं, युग लगते हैं और बहुत ही ऊर्जा लगती है। और किसी भी देश के सपूत के उत्थान के पीछे किसी सफल महिला का हाथ होता है, ये तो सभी को पता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सावित्री देवी फुले जी का योगदान इसी प्रकार से रहा है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें या राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए बड़े बड़े, सब में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। चाहे किसी भी राष्ट्र निर्माता की बात कर लें, हम सबके सफलता के पीछे सफल महिला का हाथ रहा है। द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका नाम अभी नहीं लोग ले पाते हैं। हमें, हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए वृद्ध नागरिक होने के नाते कि उनका नाम हम लोग हमेशा उस पर कुछ साहित्य लिखें।